किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट संध्या और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं एक स्वीट सी रेसिपी है, वो है स्वीट पोटैटो चाट की या शकरकंद की चाट की। बहुत ही यम्मी रेसिपी बनती है, चटपटी लगती है खाने में और इसका बनाने का तरीका मैंने बिल्कुल ही अलग बताया है। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी नई रेसिपीज के लिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये है शकरकंदी, ये हाफ के जी शकरकंद है। तो देखिए इनको मैंने धुला नहीं है, इन्हें मतलब जो इनकी जो मिट्टी ऊपर की रहती है वो हल्की सी आप झाड़ दीजिए, इसे धुलिए नहीं तभी इसका असली फ्लेवर आता है। इसे भूनने के लिए मैंने गैस का यूज़ किया है, जैसे गांव वगैरह में तो आग में भूनते हैं, मतलब जो उपले होते हैं या जो भी आग जलाते हैं उसमें भूनते हैं। तो इसे आप जो है ऐसे गैस में भून सकते हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। धीमी आँच में पकाइए, धीरे धीरे करके ये बहुत अच्छे से पक जाती हैं, जल्दी पक जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे पकने में। तो ये देखिए इस तरह से रख करके आप इसे भून लीजिए और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जब थोड़ी थोड़ी सिकनी शुरू हो जाएंगी तो ये देखिए इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लगेगा और आप सोचेंगे कि ये वॉश की हुई नहीं है तो इसमें मिट्टी या इसका जो गंदा सा फ्लेवर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, जैसे आलू वगैरह जब होते हैं उन्हें तुरंत आप भून करके खाइए बिना धुले हुए, बहुत अच्छे, बहुत ही सौंधापन आता है उसमें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उसी तरह ये देखिए भून करके तैयार हो जाती है। इसकी मिट्टी कहाँ जाती है, कैसे झड़ जाती है पता नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी लगेगी आपको खाने में, बिल्कुल मिट्टी का और कुरकुरा सा जो गंदा सा फ्लेवर होता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखिए कितनी अच्छे से ये भून चुकी है और मैंने इसे गैस में ही भुना है। ये देखिए परफेक्टली भून करके तैयार है, सॉफ्ट है। काट करके मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से हमें सारी शकरकंद को भून लेना है। इसे आप बॉयल करके भी बना सकते हैं, बस बॉयल में जो ये सौंधापन है इस चाट का वो नहीं आएगा। तो ये देखिए इसे इस तरह से हम छील लेंगे। तो अगर आपको सहूलियत लगे तो आप को ये लग रहा हो कि टफ़ है इसे पकाना तो आप बॉयल भी कर सकते हैं इस चाट को बनाने के लिए। तो ये पक चुकी है, छील लिया है मैंने, अब इसे पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं छिलका भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, हल्का हल्का ऊपर से आप निकालेंगे तो छिलका निकल करके अलग हो जाएगा। और अब इसे आप छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। तो बस इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दीजिए और बस इसमें जो हम मसाले मिलाएंगे उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। ये फटाफट, ये एक स्ट्रीट चाट है, स्ट्रीट में भी आपको ये मिलती है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे और ये पूरी आपके टेस्ट पट पे जो है करती है, मतलब मैटर करती है। अगर आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसमें नमक, थोड़ा धनिया पत्ता, हरी मिर्चें और ये रही हरी चटनी, इसकी लिंक मैं ऊपर दे दे रही हूँ आपको। मैंने इसे शॉर्ट वीडियो इसका पहले पोस्ट किया है। फिर इसमें थोड़ी चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा काला नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे और ये देखिए मिक्स करके एकदम बढ़िया सा बन करके तैयार है शकरकंदी का चाट। इसे एंजॉय कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि छोटी सी स्वीट सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।